स्टूडेंट्स, अगर ई टू दी पावर कोई भी हमें वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर से, तो ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 1, ई टू दी पावर 2, ई टू दी पावर 3, कोई भी ई की पावर निकालनी है तो अब ये देखेंगे, इसमें ये एल एन लिखा हुआ है, आप ये देखेंगे, ये एल एन लिखा हुआ है, एल एन के नीचे आप देखेंगे ई की पावर एक्स बना हुआ है ना। तो जो भी नीचे वाले सरफेस पे जो भी वैल्यू लिखी होती हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट, ये शिफ्ट वाला जो बटन है। सबसे पहले हमने क्या दबाया, शिफ्ट दबा दिया। शिफ्ट दबाने के बाद हम कौन सा बटन दबाएंगे, एल एन, एल एन दबाएंगे तो ई लिखा आ गया यहाँ पर। अब ई की आपको जितनी पावर निकालनी है उस नंबर को आपको यहाँ पर प्रेस कर देना, जैसे ई टू निकाल, ई की पावर 2 निकालनी तो ई 2 लिख देंगे, और उसके बाद में क्या दबा देंगे, इक्वल टू का साइन। तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 7.39। ठीक है, इस तरह से हमें करना होगा। फिर इसी तरह से अगर कोई और वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो इसको बंद किया, इसके बाद में मान लो हमें ई की पावर 4 निकालना है सपोज़, तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम एक बार शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबाया, एल एन के नीचे एल एन वाला बटन दबाया क्योंकि उसके नीचे ई एक्स लिखा हुआ है, इसको दबाया तो ई लिखा आ गया। अब ई की कितनी भी पावर आपको निकालनी है उस बटन को आपको दबा देना, जैसे 4 निकालना है, हमने 4 दबा दिया तो ई की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी इससे, 54.59। तो इस तरह से आपको ई की पावर्स निकाल सकते हैं आप।